आज करीबन 3 दिन बाद कबूतर खोले हैं, क्योंकि 3 दिन से बराबर कोहरा पड़ रहा था, तो इसलिए ठंड के कारण कबूतर नहीं खोले। तो आज बहुत टाइम बाद, मतलब ये मान के 3 दिन बाद कबूतर खोले हैं, तो कबूतर धूप में बहुत अच्छी तरह निकल रहे हैं। और ये देखिए कि कबूतर बिल्कुल अच्छे हैं। वो पहले जब मेरे बीमारी चल रही थी तो कबूतर बहुत बेकार हो चुके थे, तो कबूतरों में बहुत फ़र्क है। अब कबूतर अच्छे भी हो गए हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, और कबूतर ब्रीडिंग लायक भी हो गए हैं। तो अब इन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे कबूतर अपने मेरे सेटअप के अंदर बीट ज़्यादा हो गई है, तो अब बीट को साफ करने के लिए हमने कुछ लोगों को बुलाया जो साफ़ करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको उससे पहले वीडियो बताया था कि हमें इनके लिए खन बनाने हैं, यानी जूड़े से हटने के लिए खन बनाने हैं, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है। कुछ 8 से 10 पेटियाँ हमने मंगाई हैं, क्योंकि पेटियों में ही सही जोड़े लग पाते हैं और प्रॉपर ब्रीडिंग हो पाती है, क्योंकि पेटी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप चाहें तो अपने मनपसंद अनुसार अपने हिसाब से ब्रीडिंग के हिसाब से जोड़ा सेट कर सकते हैं। तो वो मैंने जोड़े के लिए पेटी मंगा ली है। अब चूँकि पेटी तो आ चुकी है, मगर सफाई करना बहुत बाकी रह गया है। तो सफाई करना है, उसके लिए हमको थोड़ा टाइम निकाल के सफाई करना पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर कबूतरों की सफाई होगी जब, और कबूतरों का जब उनका सेटअप चेंज होगा तो थोड़ा सा डरेंगे, तो उसके लिए हमको एक ही दिन में सारी चीज़ करना पड़ेगी। क्योंकि कबूतरों का अगर सेटअप चेंज किया तो कबूतरों की जरा सी भी तब्दीली होती है, बदलाव होता है, तो वो डरने लगते हैं। तो उसके लिए हमको सेटअप चेंज करने के लिए हमको एक साथ ही सारी सफाई करके सारा अरेंजमेंट करके उनका एक साथ हमको उनको फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सफाई करने के बाद कबूतरों को फिर बंद किया जाएगा 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि कबूतर उनको समझने में टाइम लेंगे, फिर अपना खंड डिसाइड करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आप भी अपना सेटअप अगर चेंज करते हो तो कबूतरों को एक तरफ बंद करके पहले सेटअप चेंज कीजिए। सेटअप चेंज करने के बाद उन कबूतरों को फिर कम से कम 2 से 3 घंटे खोलना मत, क्योंकि कबूतर डरेगा, तो कबूतर डरने लगता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सफाई करें, सेटअप पूरा सेट कर लें, उसके बाद सफाई करें। तो दोस्तों, कल संडे की कबूतर मार्केट से मैं एक कबूतर लेके आया हूँ। दोस्तों थोड़ा देख सकते हैं आप, ये मुझे कमेंट में बताएं कि ये कबूतर कैसा है और आपको कैसा लगा। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था कबूतर मैं लेके आया, क्योंकि अब मुझे ब्रीडिंग सेटअप के लिए कबूतर नहीं चाहिए थे, तो इससे बेटर मुझे कबूतर लगना नहीं, और थोड़ा मेरे को अच्छा लगा तो मैं लेके आया। तो थोड़ा आप लोग देखें और मुझे बताएं कि ये कबूतर कैसा है आपकी नज़र में, क्योंकि काली आंख का कबूतर है, मकोया है। तो एक मादी है मेरे पास, ये देख रहे होंगे, ये चुन रही है, इससे इसको थोड़ा सेट करना है मुझे। तो आप ज़रूर बताएँ कि ये कबूतर कैसा है और आपको कैसा लगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको लेते हुआ है, क्योंकि कलर इसके परों में कलर लगा हुआ है, देख सकते हैं। मैं क्या एक हाथ से कबूतर पकड़ा हूँ, तो इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो बहुत अच्छा कबूतर है और ब्रीडिंग पेयर है, जो आपने एक मादी से आपने इसको डालेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें, जिससे आपके भाई को सपोर्ट होगा और भाई आपका आगे बढ़ेगा। और कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बच्चे दिखाए थे जो छोटे से थे, अंडे से बाहर निकल लेते, तो उनसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपडेट कराता हूँ कितने बड़े बच्चे हो चुके हैं वो। तो दोस्तों देख सकते हैं, कल मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, तो बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब एक बच्चा मैंने हाथ से निकाला था और एक बच्चा उसमें से निकल रहा था, तो अब प्रॉपर निकले आए हैं दोनों बच्चे। और इसलिए थोड़ा सा मैं अपनी लॉफ्ट की इन बच्चों के कारण सफाई नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं सफाई करता हूँ इनके माँ बाप इनको दाना खिलाना बंद कर देंगे। तो लॉफ्ट मेरा बहुत गंदा हो चुका है, अब आगे की जो वीडियो बनने वाली है वो लॉफ्ट की बनने वाली है, क्योंकि लॉफ्ट की मैं सफाई करने वाला हूँ। और अब मैं आपको वो बच्चे दिखाने जा रहा हूँ जो हर वीडियो में आपको अपडेट कराऊंगा, क्योंकि ये बच्चे अपन ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं, हाथ पर ट्रेनिंग के लिए, जो अपन हाथ पर ट्रेनिंग कराएंगे लोगों और बाइक के साथ मुझे उड़ाएंगे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की वीडियो मैं आपको हर वीडियो में अपडेट कराऊंगा और डालता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहिए, हर पार्ट में आपको इनके लिए नया कुछ अपडेशन मिलेगा और नई नई वीडियो आएंगी, क्योंकि ये बच्चे बस अब ट्रेनिंग के लिए 10 दिन बाद तैयार हो जाएंगे, और 10 दिन बाद इनके बच्चों को अपन नीचे ले जाएंगे, क्योंकि इनके माँ बाप से इनको अलग करना पड़ेगा, तभी बच्चों को अपन
ट्रेनिंग पूरी तरीके प्रॉपर तरीके दे पाएंगे, क्योंकि अगर इनको कबूतरों के बीच में रख के ट्रेनिंग देंगे तो दोस्तों तो ये कुछ भी नहीं सीखेंगे और इनको टोटल अलग करना पड़ेगा अपन को इनके माँ बाप से। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इनकी, वो नीचे सेटअप बनाएंगे, सेटअप बताएंगे कितना कैसे कैसे सेटअप बना रहे हैं इनका, कैसे कैसे अपन इनको रखेंगे, सारा सेटअप बताएंगे और ट्रेनिंग के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को मेरे देखते रहिए आप लोग, हर वीडियो में अपडेट मिलेगा, पर डे अपडेट डालूंगा आपका मैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और वीडियो लाने और वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा। इसलिए क्या है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट से ही मैं वीडियो बना पाऊँगा, बाकी वीडियो बना जब भी वीडियो बनाऊँगा मैं आपको जरूर डालूँगा। तो जय श्री राम दोस्तों, बाय, खुदा हाफिज़।